मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले 60 परिवारों की दीपावली फीकी होने जा रही है। दरअसल यह मजदूर सभी यहां पर सफाई का काम करते हैं, जिन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिस कारण उन्हें परेशानी हो रही है। दीपावली का पर्व नज़दीक आ गया है और पर्व के समय में भी वेतन नहीं मिलना उनकी और परेशानी बढ़ा रहा है। उनके घर का परिवार का पालन पोषण करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिम्मेदार केवल आश्वासन दे रहे हैं। लोकल 18 की टीम को जिला अस्पताल में काम करने वाली आयाबाई कलाबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हम यहाँ पर 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिस कारण परेशानी होती है। दीपावली का पर्व नज़दीक आ गया है, ऐसे में भी वेतन नहीं मिलना हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। हम अपने परिवार के साथ खुशियां नहीं बांट पा रहे हैं। 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, ऐसे 60 परिवार हैं जिनका वेतन नहीं मिलने के कारण परेशानी बढ़ गई है। लोकल 18 की टीम ने जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रदीप मोसेस से बात की तो उन्होंने बताया कि शासन से बजट नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए उनका वेतन बाकी है। ऐसे 60 लोग हैं, हमने शासन से पत्राचार किया है, जल्द ही वेतन आते ही उनका वेतन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सरकारी अस्पताल में दीपावली का पर्व बनाने के लिए भी कर्मचारियों के पास पैसे नहीं है। उनकी 2 महीने से वेतन नहीं हो पाई है, जिस कारण महिलाएं हैं और कुछ सफाई कर्मचारी है, वे परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अफसर उनको केवल कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, इसके लिए आपका वेतन नहीं कर पाएंगे। हमने आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। पास में गए तो सिविल सर्जन बोलते हैं कि भाई अभी बजट नहीं है, तो हमारे लिए बजट क्यों नहीं है? सबके लिए बजट है, हमारे लिए क्यों नहीं बजट? और बोलते हैं कि बोले हाँ हम कर देंगे, अब बजट आएंगे, जब कर देंगे तो दूसरों के लिए कैसे बजट आए? और अच्छे से बात भी करो ना तो बोलते हैं कि तुम बदतमीजी कर रही हो, ऐसा हमने तो कुछ कहा ही नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए। कितने ऐसा कर्मचारी है जिनका वेतन नहीं हुआ? सफाई कर्मचारी है और हम लोग हैं लेबर रूम के, हम 7-8 लोग हैं। कुल कितने होंगे यदि बात करें तो? पूरा अभी हम तो 6 लोग हैं फिलहाल में, बाकी सबकी सैलरी हो गई। अब आप क्या चाहते हो दीपावली जैसे? चाहते कि हमारी सिर्फ सैलरी दी जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे भी दिवाली का उसमें हमारे बाल बच्चों को कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम राधा है। समस्या जा रही है आपको? कला भाई है सर, हमारी पेमेंट नहीं हुई है। कहाँ पर काम करते हो? लेबर रूम में। क्या करते हो? आया भाई। कितने महीने की वेतन नहीं हुआ आपका? 2 महीने से। कितनी और महिला है जिनका वेतन नहीं हुआ है सर? हम 7-8 लोग हैं, बाकी तो सफाई कर्मचारी है और वो गार्ड है। क्या समस्या जा रही है अब आपको? सिविल सर्जन बोलते हैं, सिविल सर्जन कहते हैं कि आउटसोर्स वालों की हो गई है, तुम्हारी नहीं हुई, बजट नहीं आया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अब दीपावली है, ऐसे पर्वों में क्या परेशानी जा रही है? तो हमको भी तो जरूरत पड़ती है ना पैसों की। क्या नाम आपका? कला भाई। परेशानी ये है बेटा कि 2-2, 3-3 महीने पेमेंट नहीं आती है ना, अब हम गरीब लोग हैं। आप क्या करते हो यहाँ पे अस्पताल में? मैं आया भाई। कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ? अगस्त 6 महीने। अब दीपावली ऐसे में क्या समस्या जा रही है आपको? क्या नाम आपका? देखिए क्या है कि जब बजट जो है भोपाल से अवेटेड है और हमारी भोपाल में बात भी हुई है, तो आज या कल में बजट डल जाएगा, तो जैसे ही बजट डलेगा वैसे ही उनको भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए हमने इन महिलाओं से बात की, इन महिलाओं का कहना है कि दीपावली एक सबसे बड़ा पर्व होता है और ऐसे में भी हमारे को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम यहाँ पर आया भाई और सफाई कर्मी का काम करते हैं, लेकिन अब हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस ओर ध्यान देते हैं और इन महिलाओं का वेतन करवाते हैं, या इन्हें परेशान होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन चिन्मय के साथ मोहन ढाकले, बुरहानपुर।